सदगुरु कबीर की एक साखी है तरफ से, दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग, एका एकी राम सुख की संतन में भंग। इस साखी में सदगुरु कबीर हमें यह बताते हैं कि क्या नहीं करना है और साथ साथ ये भी बताते हैं कि क्या करना है। जीवन में दोनों की आवश्यकता पड़ती है। हम बीमार हैं, डॉक्टर के पास जब जाते हैं डॉक्टर का कहते हैं कि देखो तुम बीमार हो, अमुक अमुक चीज तुम्हें नहीं खाना है, लेकिन क्या क्या खाना है ये भी जरूरी है। क्या क्या खाने से हमारी बीमारी बढ़ती है यह भी जानना है और जान करके उनको छोड़ देना, और क्या क्या खाने से बीमारी घटेगी, शरीर में ताकत आएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, इसे भी जानना है और जान करके उन चीजों को खाना है। ऐसे हर बात में मन में भी बात यही है कि ऐसी कौन कौन सी बात है, ऐसी कौन कौन सी याद है जिसे सोचने से और करने से हमारा मन चंचल होता है, उत्तेजित होता है, गलत भावनाएं मन में आती है, उन बातों को जानकर ऐसे स्मरणों को या वीरियों को सोचने से याद करने से बचना हो, और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें बराबर याद करते रहने से, जिनका चिंतन मनन करते रहने से मन प्रसन्न रहता है, अच्छी प्रेरणा मिलती है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने का मन करता है, तो बराबर उन उन बातों को सोचते रहना होगा। हर जगह कुछ करने लायक काम होते हैं, कुछ नहीं करने लायक काम होते हैं, कुछ नकारात्मक है और कुछ सकारात्मक है। नकारात्मकता का त्याग और सकारात्मकता का ग्रहण, हर क्षेत्र में धन ऋण होते हैं। यहां आप कहते हैं कि दुनिया से दोस्ती मत कर, रोकते हैं। किसी ने पूछा था दुनिया से दोस्ती ना करें, क्यों ना करें? साहब कहते हैं कि दुनिया से दोस्ती करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी, और संतों का कहना क्या है, ये मानव जीवन भजन करने के लिए ही मिला है। खाना तो मजबूरी है क्योंकि बिना खाए हम जी नहीं सकते। आदमी जीवन भर संयम चला नहीं सकता तो विवाह शादी करता है, इसमें बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चों का पालना पोसना भी एक जिम्मेदारी है। तो कमाना है, खाना है, बाल बच्चे पैदा कर लिए, पाल पोस लिए, इतने में रुक गए, इसके आगे नहीं बढ़े तो इतना तो जानवर भी कर लेते हैं। सुबह से शाम तक जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, समय आने पर बच्चे पैदा कर लेते हैं, और उन बच्चों की कैसे रक्षा करना है ये भी जानवर को पता है। लेकिन इतने में आदमी रुक गया तो आदमी की सहायता नहीं हुई, लेकिन इतना होने पर भी जानवर बच्चे पैदा कर लेते हैं और मादा जो जानवर है वो बच्चे को पाल पोस लेते हैं, आदमी बच्चे पैदा किया, पाल पोस लिया, लेकिन अंतर क्या है? जानवर किसी से राग द्वेष नहीं करता, किसी से शिकायत नहीं करता, उलझता नहीं है, वैर विरोध नहीं करता। और आदमी
कितने शिकार उलझा हुआ है राग भेद वैर विरोध में। आदमी के इस मामलों में जानवरों से नहीं गया बेटा, और इसीलिए आदमी जीवन भर दुखी बना रह जाता है, चिंतित बना रह जाता है। न उलझा उलझे, व्यवहार तो करना पड़ेगा, कहीं मेरे व्यवहार करते हुए राग द्वेष न बने। किसी बात साहब कहते हैं, यहां साहब जो कहते हैं कि दुनिया से दोस्ती मत करो, दोस्ती करने मतलब क्या है, राग ना करना, क्योंकि मोह ना करना, और राग करेंगे कहने का द्वेष बनेगा, और राग द्वेष में मन उलझा तो भजन का काम नहीं होगा। भजन क्या है, ये माला फेरना, नाम जपना, आरती कर लेना, वंदना कर लेना, मंदिर में जाकर के पूजा कर लेना, ये भजन नहीं है, मन बहलाने की साधन है, कर्म कांड है। भजन क्या है, ये राग और द्वेष से बचना, मोह और वैर से बचना, ये भजन है। जीवन में कुछ अनुकूलता मिलती है, कुछ प्रतिकूलता मिलती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता से आप तक कोई बचा भी नहीं है, कोई बचेगा भी नहीं, कहीं अपमान होगा, कहीं सम्मान होगा, कहीं निंदा होगी, कहीं प्रशंसा होगी, लेकिन इनमें कहीं हमारे मन में राग द्वेष या वैर विरोध न बनने पाए, ये सावधानी रखना, ये भजन करना है। फिर उसके बाद कोई नाम जपो या मत जपो, जपते तो अच्छा है, न जपते तो अच्छा है, किसी बात को लेकर के मन न बिगड़ने पाए, बात यह है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, दुनिया से तुम दोस्ती मत करो, दुनिया से दोस्ती करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी। तो प्रश्न हो सकता है, क्या दुनिया से बैर करें जिससे भजन का काम बढ़िया बने? बैर करेंगे तो भजन तो और नहीं बनेगा। भजन क्या, मैंने कहा भी किसी के लिए मन में बैर भाव ना होना, ये भजन है। कोई आपको गाली दे सकता है, देते ही ना, आपसे विरोध करता है, आप निंदा करता है, आपकी हानि करता है, अपमान करता है, उसके लिए भी मन में बैर की भावना ना हो। जो गलत लोग हैं, जिनका स्वभाव गलत है, जिनका कर्म गलत है, जिनका व्यवहार आचरण गलत है, जिनका खान पान गलत है, उनके साथ रहने में तो व्यवहार में दिक्कत आएगी, न व्यवहार का काम बढ़िया बनेगा, न परमार्थ का काम बढ़िया बनेगा। तो ऐसे लोगों से दूर हट करके ही शांति से जिया जा सकता है, लेकिन दूर हटने के बाद भी ध्यान में रखना है, उनके लिए मन में बैर भाव ना हो। जब जब उनकी याद हो तो यह हो सोचे कि उनका भला। किसी ने आपको गाली दे दी, आपको अपमान कर दिया, या आपकी निंदा की, आपका काम बिगाड़ दिया, घाटा कर दिया, आपने उसमें कुछ कहा नहीं, लड़ाई नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, जवाब भी नहीं दिया, शांत रह गए, लेकिन आपने बाद में सुना कि जिस आदमी ने मुझे गाली दी थी, मेरी निंदा की थी, मेरा अपमान किया था, मेरा काम बिगाड़ा था, उस आदमी के घर में ऐसा घाटा हो गया है, उस आदमी का ऐसा दुख आ पड़ा है, और उसके उस बात को सुन करके, उसके दुख को देख करके आपका मन खुश हो गया, तो समझना उसके लिए आपके मन में बैर बना हुआ है, शत्रुता का भाव बना हुआ है, तभी आप खुश हो रहे हैं।
किसी के दुख को देख करके या सुन करके खुश होना ये भयंकर बैर शत्रुता का परिलक्षण है। फिर आप भजन नहीं हो रहा है क्योंकि मन बहुत गलत बनता है। दुख तो नहीं हुआ लेकिन आपने ये सुना जितने मुझे गाली दी थी, मेरा अपमान किया था या निंदा किया था, मुझे मेरा नुकसान पहुंचाया था, वो आदमी के साथ व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ है, उसके बेटे को अच्छी नौकरी लग गई है, उसके घर में बड़ी खुशी खुशी है, उसकी खुशी को सुन करके आपका मन दुखी हो गया तो समझना भी मेरे मन में बैर बना हुआ है। क्योंकि किसी के खुशी को देखकर, किसी की प्रसन्नता को देखकर, किसी की उन्नति को या सुख को देख करके मन में दुख होना, अपने मन में दुख होना, ये शत्रुता की पहचान है, गंदे मन की पहचान है। और ऐसा करके हम स्वयं अपना नुकसान कर लेते हैं, उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो बैर तो करना ही नहीं किसी से, कोई दूसरा बैर करता है करने, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो अपनी शांति चाहिए, हमें तो अपना कल्याण करना है, स्वयं प्रसन्नता से जीना है। तो प्रसन्नता से जीना है तो कुड़ कुड़ करके हम जी रहे हैं, दूसरे से बारे में बड़ा सोच करके, दूसरे से बैर विरोध करके। जिससे भी बैर करोगे हर समय वो आदमी दिमाग में चढ़ा रहेगा, मन में गुस्सा बना रहेगा, उसने मेरा ये काम बिगाड़ा था, उसने मेरा ये काम बिगाड़ा था, मुझे ऐसा कहा, मेरे बारे ऐसा कहा था। जब सोचोगे गुस्सा होगा और गुस्सा आने पर अपना मन बिगड़ा, तन बिगड़ा, काम बिगड़ा, सब बिगड़ा, समझदारी मत नहीं हुई। इसलिए किसी से भी बैर नहीं, साहब ने तो ये कहा है कि सब जीवन से निर्बैर रहे, किसी के लिए बैर नहीं, किसी के लिए निर्वैरी बढ़ते जग माही, मन बस कर्म घात को नाही। संसार में निर्वैर होकर के व्यवहार करें और तन से, मन से, वचन से किसी को चोट ना पहुंचाए, किसी को दुख ना दे। किसी को भी चोट पहुंचाना, किसी को भी दुख देना, यही तो अधर्म है। और दूसरे की भलाई करना ये धर्म है। धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बात हम लोग कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बात को एक तरफ रहने दो। अभी मैं कह देता हूं, कोई मंदिर जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, नाम जपता है, अच्छा है, करता तो है, लेकिन यह धर्म भी नहीं। धर्म के नाम पर कर्मकांड है, करना गलत तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमने पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, थोड़ा आरती जला लिया, अगरबत्ती ला करके भगवान के मूर्ति सामने दिखला दिया, हमारा धर्म हो गया? नहीं, धर्म नहीं हुआ है। ये तो मन की प्रसन्नता के लिए भावना अच्छी बन जाएगी इसके लिए है। किसी के लिए भलाई का काम करना और दूसरों को दुख देने से बचना, ये धर्म है। रामचरितमानस में, रामायण में गोस्वामी जी ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरे की भलाई करने के समान, दूसरे को सुख पहुंचाने के समान कोई धर्म नहीं, और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं। पीड़ा केवल तन से थोड़े रहते, मन से, वचन से, सब कुछ रहते। तो आदमी भक्ति को समझेगा कैसे?
उत्साह करते हैं तो किसी से व्यर्थ करना ही नहीं, निर्वैरी करते जगमा निर्वैर होकर के सबके साथ प्रेम का व्यवहार जितना कर सकते करो, प्रेम व्यवहार नहीं कर सकते हैं तो दुख देना बंद कर दे, बैर करना बंद कर दे। किसके लिए? अपनी भलाई के लिए। और आपने अपनी भलाई तो चाहता है, किसी के साथ गलत व्यवहार करना अपनी प्रसन्नता को कम करना है, अपना स्वयं को नुकसान पहुंचाना है। अब भजन कैसे होगा फिर इसमें? सतगुरु कहते हैं कि दुनिया से भी दोस्ती, दोस्ती से मतलब है मोह चिपकाहट, जहां जहां हमें अच्छा लगता है ना वहां हमारा मन चिपकता चला जाता है और हर समय वो चीज भी दिमाग में सवार रहती है, उसी का ख्याल होता है, उसी का ख्याल होता है। जीवन यात्रा में कुछ मनुष्य मिलेंगे, आदमी अकेला तो रहेगा नहीं, परिवार बनता है आदमी का, समाज बनता है, आप लोगों का परिवार बन जाता है, हम लोगों का समाज बन जाता है, बात तो वही है। तो जहां जहां हमें अनुकूलता मिलती है, जो जो हमारे मन के अनुसार काम करते हैं, वहां वहां धीरे धीरे हमारा मन चिपकता चला जाता है। अगर एक के लिए चिपकेगा मन तो दूसरे के लिए मन पक्षपात जरूर करेगा, और एक तरफ मोह है एक तरफ पक्षपात है, घर में व्यवहार बिगड़ जाता है। इसलिए सहज प्रेम का व्यवहार, प्रेम सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है, जो सबके लिए होता है उसे प्रेम कहते हैं। कबीर साहब ने जो कहा है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, प्रेम में कोई दूसरा रहता नहीं, सब अपने हो जाते हैं। प्रेम देना जानता है, प्रेम का लक्षण क्या है, जहां लेना नहीं है केवल देना 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 होता है, और देने वाले को अपना मिलता चला जाता है, आप को मांगना नहीं पड़ेगा, चाहना नहीं पड़ेगा, देते जाओ मिलता चला जाएगा। और जो देना नहीं चाहता है वो मिलेगा भी नहीं। दुनिया का ये नियम है, जिस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं उस चीज को ज्यादा से ज्यादा बांटते चलो, भीतर की बात यह, बाहर का गणित अलग होता है, भीतर गणित अलग होता है। बाहर तो आप किसी चीज को बांटोगे तो चीज घटती जाएगी, लेकिन जीवन का गणित क्या कहता है, जिस चीज को जितना बांटोगे उतना ज्यादा मिलेगा, और नहीं बांटोगे तो मिलना एकदम बंद हो जाएगा, फिर तो एकदम आपका मन उदास रहेगा, दुखी रहेगा, शिकायत से भरा रहेगा। बांटते जाओ प्रसन्न रहेगा। प्रेम बांटोगे, प्रेम को आप जितना बांटो उतना आपका प्रेम, सबका प्रेम आपको मिलता चला जाएगा, लेकिन आप घृणा बांटोगे तब घृणा भी सबको मिलेगी आपको। अब सोचिए कि मैं अपने लिए क्या क्या चाहता हूं और अपने लिए क्या क्या नहीं चाहता। अपने लिए गाली नहीं चाहते, घृणा नहीं चाहते, अपमान तिरस्कार नहीं चाहते, निंदा नहीं चाहते, तो इनको बांटना बंद कर दो। किसी की को गाली मत दो, किसी का शब्द मत कहो, किसी की निंदा मत करो, किसी का अपमान मत करो, आपका अपमान निंदा बंद हो जाएगा। अपने लिए प्रेम चाहते हो, दया चाहते हो, स्नेह चाहते हो, आदर चाहते हो, सम्मान चाहते हो, मीठी वाणी चाहते हो, कोमल व्यवहार चाहते हो, बांटते जाओ इसको, जितना उतना आपको मिलता चला जाएगा। जितना बांटोगे आपका बढ़ता चला जाएगा, कभी कमी का अनुभव होगा ही नहीं।
और नहीं बांटोगे तब तब तो फिर मिल रहा है ये संभव ही नहीं होगा, ये अनुभव ही नहीं आएगा। आदमी चाहता कुछ है और बांटता कुछ है। स्वयं तो चाहता है आदमी कि सब लोग मेरे साथ प्रेम का व्यवहार करे, और दूसरा खुद क्या कर रहा है, द्वेष का व्यवहार कर रहा है, घृणा का व्यवहार कर रहा है, तो प्रेम मिलेगा कहां से? लोगों का प्रेम का, दया का, क्षमा का, करुणा का, स्नेह का, सेवा का व्यवहार करना, यही तो भजन करना है। भजन आगे और बहुत है, लेकिन शुरुआत तो यही तो होगी ना। कहते हैं कि एक युवती को बच्चा नहीं हो रहा था, शादी में कई साल बहुत जगह गए, बहुत सब कुछ किया लेकिन बच्चा नहीं। एक महात्मा के पास गए, बहुत रोई गुड़ाए, तो महात्मा चाहते थे उसके मन को देखना चाहते थे। महात्मा ने उसे एक मुट्ठी चना दिया, पका चना ले लो और बाहर बरामदे में बैठ करके खाओ। चना ले बरामदे में बैठ कर खाने लगे तो कई बच्चे आ गए। बच्चों ने कहा हमें चना दे दो, हमें चना दे दो। बच्चे हाथ मांगते थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उसने कहा, सोचा ये तो महात्मा चना मुझे दिया है, बच्चों को मैं बांट दूंगी तो महात्मा नाराज हो जाएगी। किसी बच्चे मांगते रह गए, उन्होंने किसी को चना दिया नहीं, महात्मा चुपचाप देख रहे थे। जब चना खा लेते महाराज कृपा कर भगवान दे दो, महात्मा ने कहा तुम चना एक बच्चे भूखे बच्चों को चना नहीं देते तो भगवान भाई तुम्हें बेटा कहां से ला कर देगा, तो रख दे देना, सुनो तो करो पहले, एक चना भी तो नहीं दे पा रहे हैं एक एक दाना, और तू जाते भगवान हमें बेटा दे दे। अरे तो कम से कम देना शुरू तो करो, तब तो मिलेगा ना। तो पाना चाहते हो तो बांटना शुरू करो, और वही जो पाना चाहते हो, जो नहीं पाना चाहते ना, जो जिस आपको मन पसंद नहीं करता है वो मत बांटना, उसके लिए कंजूस बन जाओ एकदम। मैंने कहा कि अपने भी निंदा नहीं चाहते तो किसी की भी निंदा मत कर, घृणा नहीं चाहते किसी के लिए भी घृणा मत करो, जो दिन दुखी लाचार उनसे भी घृणा मत करो, उनके लिए भी प्रेम करो। हो सकता है वैसे नफा काफी आ जाए तब क्या करोगे। मैं कह रहा था कि जीवन में जहां अनुकूल चीज मिल जाती है ना तो हमारा मन वहां बढ़ जाता है, और हम फिर उसी बात सोचते रह जाते हैं जिसके लिए दुनिया में आए हैं भजन करने के लिए। मैंने कहा था शुरू में काम करना, पेट भरना, बच्चे पैदा कर लेना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये मजबूरी है, ये व्यवहार है। इतने मुड़ा सीखे तो इतना सुंदर मानव जीवन तो मिला लेकिन बेकार चला गया। ये सब करते हुए घर में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यवसाय का काम करते हुए बाल बच्चों का पालन करते हुए भजन भी करते चलना है, और भजन करने का कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही भजन हो जाएगा, काम करते करते भजन हो जाएगा। अच्छे विचार सोचो, दया के, क्षमा के, प्रेम के, ज्ञान के, भक्ति के, विवेक के आत्म विचार सोचते रहो, काम भी करते रहो, कर से काम मन से राम, सदगुरु कबीर कहते हैं, शरीर से मेहनत कर और मन से राम का भजन करो। और राम भजन क्या है? अच्छी बातों को सोचना, आत्मचिंतन करते रहो, अंत में क्या होने वाला ये भी सोचो, सोचे कि अंतिम में क्या होगा हमारे साथ, अंतिम में क्या जाएगा। सब कुछ यही के यही छूट जाएगा, कोई साथ लेकर जाए नहीं, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना पड़ेगा। दुनिया से एक आज न कल तो सबको जाना है पक्का,
सबको जाना है, लेकिन ये पता नहीं है कि कब जाना है। समय आएगा चले जाएंगे, और जब दिन जाएंगे उस दिन यहां की चीज यही छोड़कर चले जाएंगे, कुछ नहीं जाने वाला है साथ में। लेकिन आदमी भूला हुआ है। अभी गुजराती में एक भजन है, बस उसकी शुरुआत की दो चार पंक्तियां मुझे याद है, बाकी याद नहीं, लेकिन उतना पर्याप्त है। आवेला कोई कायम न रह सके, क्यारे चाव नक्की न थे सके, समय सौरवाना थवानु आए नहीं मुके ने जवानु। इतना पर्याप्त है, अंतिम में यही नहीं मुके ने जवानु है भाई, ये सब यही एक छोड़कर जाना है। कितने दान है संसार माया निजार से साचा आत्मा, ये संसार तो माया का जाल है, इसी जाल में उलझ उलझ करके हमें मर जाना होता। तो सोचे जब सब कुछ यहीं के छोड़ कर जाना है, किसके लिए द्वेष करो, किसके लिए बैर करोगे? गलत काम क्यों कर रहे हो? गलत काम करो तो उतना ही खाओ जितना खा रहे हो, अच्छा काम करो तो भी उतना ही खाओगे, और गलत काम करोगे तो उसके गलत काम के संस्कार साथ में जाना है, और आगे के लिए दुख का बीज बोना है। धन के लिए पाप करना करता है आदमी, धन यही रह जाता है। परिवार के लिए पाप करता है आदमी, परिवार यही रह जाता है। जमीन के लिए पाप करता है आदमी, जमीन यही रह जाती है, लेकिन पाप के बीच तो साथ में जाएगा। कितना भूला है आदमी, कितना भूला हुआ है, ये कोई बड़ी गूढ़ बात नहीं है, बहुत साधारण बात है, और साधारण बात भी आदमी के बात दिमाग में समझ में नहीं आ पा रही है। देख रहे हैं बड़े बड़े लोग चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए, किसी का कुछ रहा नहीं, आदमी की आंखें खुल नहीं पाती। थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर आदमी कितना लड़ाई झगड़ा बैर विरोध मार पीट हिंसा हत्या मुकदमा बाजी करते करते जिंदगी व्यतीत कर देता है, और एक तरफ मंदिर जाकर सुबह शाम पूजा प्रार्थना भी कर रहा है, ये दिखावा की भक्ति काम नहीं आई है। असली भक्ति ये है किसी के लिए कोई पाप नहीं कर, ना अपने लिए पाप करना है, ना परिवार के लिए, ना धन के लिए, ना मठ के लिए, ना किसी के लिए कोई पाप नहीं करना। ये पाप से बच जाए तो बहुत बड़ा भजन हो जाएगा, गलत काम से बच जाए तो बहुत बड़ा भजन हो जाएगा। और यही भजन आदमी नहीं करता बाहर तो बहुत बड़ा भगत बन जाता है, खूब माला पहन लिया, चंदन लगा लिया, खूब बड़ी आरती भी कर लिया, और खूब जाकर पूजा पाठ करे, मंदिर में जाकर प्रसाद भी चढ़ा दिया, मंदिर प्रसाद तो चढ़ा देगा, क्योंकि मंदिर के बाहर एक भूखा बच्चा बैठा हुआ है, उसको उसको प्रसाद नहीं देगा। असली भगवान तो मंदिर के बाहर बैठा भूखा, उसको खिला दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन नहीं खिलाना है। जो जो भगवान नहीं खाएगा ना भेदर बैठा मंदिर में, वो तो लाकर खिला देगा। भक्ति के नाम पर भी बहुत भटकाव हो गया है। तो बात यह है कि जीवन यात्रा में बहुत लोग तो मिलेंगे, चीजें मिलेगी, मनुष्य मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेंगे, सारे तरह दोस्ती मतलब मतलब है, कहीं अपने मन को चिपकाओ मत, बांधो मत। सोचें कि अंतिम दिन में कौन हमारा साथी होगा, साथ में कौन जाएगा,